तो हम इनको सिखाते हैं खुदा रसूल के लिए आओ तो अच्छा है तो फिर मशा देते हैं तर्दीप देते हैं उस तरफ आ जाओ तो अच्छा है। सारे काम खुद ही बन जाएंगे सारे आने वाले हैं शक्लें देखो ना मॉडर्न है दूसरे टाइप के मौलवी टाइप के उनको तो पता ही होता है वो कहते हैं हम कुछ देखें मसला हमारा हाल हो फिर हम कहेंगे थोड़ा बहुत पीर मार लेंगे इसको तो मसला ही हल नहीं होता है, तो माने क्या जो बताता हमको तो पहले से ही पता है <laughs> हमको तो पहले आता सारा लेकिन कुछ कर भी सकते है, हमारे लिए नहीं मैं तो कसम खाता मैं नहीं कुछ कर सकता हूं। और कसम खाता हूं वो कर सकता हूं जो दुनिया में कोई ना कर सके ये भी कसम खाता हूं क्यों अगर मेरा साथ देते हैं हजरत मोहम्मद मुशफ इस वजह से और हमारी दोस्ती उसी से होगी इन शाह त्या तक नहीं टूटेगी और, तो, और वो अजायबात भी देखेगा हाँ अगर वो इस चीज पर मेरे पर दोस्ती करें हमें आए वो पसंद जिन्हें आए वो पसंद अरे तो तुमको पसंद तुम्हें तो तुम्हारी मोहब्बत कह रही है और अगर उन्होंने बीच में दखल दिया हुआ है कर्म के तकाजे से तो ये मेरी किस्मत है बल्कि उनके तकाजा करम हद से उसको भी कबूल करते हैं जिसको जहा कबूल ना करे तुमको अमान भी चाहिए तुमको मुसीबतों से बचना भी चाहिए तुमको नामुमकिन चीजों भी तुम्हारी हो जाए ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि साहबा ने इसी चीजों को देख के तो आकाश से जुड़कर जाने और माल और दिल सब कुर्बान किया कि जो बात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा में ना किसी में देखी है ना सुनी है ना हो सकती है कभी तुम इसलिए हो तो मुख्तर मैंने बात की हम कि तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा दीन का दुनिया का आखरत का ना चीजें होने वाली भी हो जाएंगी अगर तुमने दिल उनको दे दिया किनको जिनका नाम है हजरत मोहम्मद मुसल उनको हर वक़्त समझे वो हैं उन्होंने फरमाया सारी कायनात क्या मत तक मेरे साथ है क्या मत तक मेरे सामने है मैं हर चीज को देखता हूँ उसकी गहराई तक जानता हूँ मैं तुम में से एक एक को ऐसे जानता हूँ जैसे पांच कल्याण घोड़ा छुप नहीं सकता मैं तुम्हारे हालात वगैरह सारे जानता हूँ जो नामुमकिन है किसी की रसाई उस तक हो उस तक भी मैं जानता हूँ फिर वहां तक तो उनकी रसाई असरार तक किसी की नहीं हो सकती है लेकिन वो असरार को जशमपोशी करते हैं आपके कैसे ही हालात हों अंदरूनी बैरूनी छुपे हुए वो तुम्हारे सारे हालात को बागो बहार सुनहरी बना सकते हैं सिर्फ तुम्हारा दिल और नीयत ठीक हो जाए वहां रिपोर्ट पहुंचाने की जरूरत नहीं है कि वहां रिपोर्ट पहुंचाई जाए तुम्हारी हाँ भाई की तहकी की है इंक्वारी की है ऐसे मौके हाथ में तो नहीं आते जैसे मौका आपके हाथ में आ जाए है कल आया है बाद में मौका आपके हाथ में आएगा नहीं आएगा वल्ला आलम वक्त हाजिर जैसा मौका आपके हाथ में तो नहीं आएगा ना आ, 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 आ सकता है बड़ी बात नहीं है ये कर्म की बात है कि जब तक मैं मौजूद हूं और जब मैं चला गया फिर ढूंढते फिरना हाँ तो आप मेरा तजर्बा करें या वाक़ इसके पास या इसके साथ इतना बड़ा खुदा का तकाजा करम है कि मसलन या शायद या हो जाए या हो सकता है इसको नबी करीम चलाते हों और उसका साथ देते हूँ जब वो साथ किसी का देंगे उसको क्या चाहिए लेकिन क्या सबूत तो मेरे पास नहीं है ना तो मैं सबूत दे सकता हूँ लेकिन सबूत इसका मिल सकता है जिसको खुदा ने हिकमत दी है अकल दिया है जी वो तहकी कर सकता है अदब के दायरे के अंदर कोई दिल में शर्तें लगा ले, अदब से ये काम हो गया या फलानी चीज़ या फलाना ये तो अगर सच्चा होगा और तरीके तरीके से उन्होंने चलाई इसे वो मुतली हकीक़त में वही हैं तो उसकी उनके दरमियान में कोई फजा कोई सूरत वो खुद बना देंगे जिसका सवाल जवाब ख़त्म हो जाएगा बल्कि डरना शुरू हो जाएगा और क्या क्या ऐसा मौका हाथ में नहीं आएगा जहाँ गारंटी से ज़मानत से मुमकिन नामुमकिन सब कुछ हो सकता है अगर अल्लाह के बाद हजरत मोहम्मद शफा दखल दें किसी चीज़ में तो उम्मत के वाली हैं उम्मत के वारिस हैं क्या मत उम्मत के निगहबार लेकिन बीच में किसी को जरूर रखते हैं बीच में ये बात समझने अब बीच में कौन है कौन नहीं है वे ही जाने और जिनको खुदा ने आज समझ दी है बीच में ये है नहीं है वो अंदाजा लगा लेंगे तहकी तो कर लेंगे अदब के दायरे के अंदर कोई अल्लाह से कहते हैं अल्लाह अगर माफी हो जाए फलानी बात हो जाए फलानी चीज हो जाए फलाना मसला नजर आ जाए मेरी तसली हो जाए तो अल्लाह कर सकता है सच्चा होगा तो हो जाएगा झूठा होगा तो यहां सच्चाई भी होगी उसको नजर कुछ नहीं आएगा अगर सच्चा होगा कुछ भी वो हो आका जी इसको निकाल के ले जाएंगे कुछ भी वो हो यहां तक कि दुनिया को पता चले इसको जान से मार दे लेकिन आकाश उसको बचा लेंगे कि नीयत का सच्चा है शेर के साथ धोखा नहीं करता हाँ आदाब के अंदर से और खौफ के अंदर से कुछ अपनी कैसे इंसान कमज़ोर होता है मेरा दिल मतम हो जाए सब ये ऐसी कहते हैं लेकिन कुछ मुझे पता ही यकीन की नज़र तो आए तो खुदा कर देता है अपने फजल से तुमने सुनने तक कि सुना कुछ लेकिन इधर में सच्चे दिल से लगोगे वजीकों शे से जुड़ोगे तो सुनने तक नहीं खुदा की कसम कुछ देखने तक चले जाओगे जब देखने तक चले जाओगे तुम मतम नहीं हो जाओगे सुकून मतम फिर तुमको बहुत सुकून इत्मीनान होगा जितना सुकून इत्मीनान नबी करीम के जरिए होता है या किसी फजा वो बनाते हैं फिर उनको उनको बहुत अजीब हमत खुदा ने ताकि वह आदमी पुरसकून हो जाता है तो फिर उस शेख पर मरेगा नहीं तो क्या करेगा वह हर वक्त मरेगा करे करे कि ये अल्लाह ने नबी ने लेकिन इसने बीच में साथ दिया रास्ता दिखा इस तरफ रोशनी ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो यार तो इसने तो हमारा दीन दुनिया का सारा काम बना दिया हर काम से छुड़ा दिया क्योंकि खुदा के सिवा किसी को हर चीज़ पे ताकत है तो हजरत मोहम्मद मुतफा को ताकत है हर चीज पे खुदा के बाद खुदा दिए तो उसमें विकत में तकादे किसी को बीच में ज़रूर रखते हैं हाँ इसी तरीके वालों का इतफाक़ है इसमें लेकिन वो आदमी वो है या नहीं है खुदा जाने है कि फनाफित शेख जरूर हो जाए कि शेख से अंधी मोहब्बत पागलों वाली और वजीफे ना छोड़े उसके सिवा शेख के कि किसी बुजुर्ग को ना जाने अल्लाह मोहम्मद शेख और ना जाने किसी ये फना फनाफित शेख होता है और इसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है हमको कि ज़रूरत अच्छी वक़्त ज़ाया करना है क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिसको खुदा से मोहब्बत की बहुत ज़रूरत हो